Uh, मैं अपना एक अनुभव जो है सर के साथ साझा करना चाहता हूँ मैं कहीं जा रहा था तो एयरपोर्ट पर मुझे दो किताबें आपकी मिली एक कॉन्वेंट मिली और दूसरी क्रिस्टल लॉज वो दोनों ही किताबें खरीद कर पूरी फ्लाइट के दौरान मैंने खत्म कर दी कॉन्वेंट हाँ कॉन्वेंट और एक क्रिस्टल लॉज भी थी अच्छा ये दोनों ही किताबें तो ये किताबें जब हम कहते हैं कि किताबें बिकती नहीं है हिंदी में कम से कम ये मैं टोक रहा हूँ इंग्लिश में पढ़े हिंदी में पढ़ी मैंने हिंदी में पढ़ी <laughs> शुक्र है भाई आपने बड़ा काम किया अगर हिंदी में पढ़े उनको तो वो आउट ऑफ फैशन लगता है कि कोई पैसेंजर हिंदी की किताब पे पढ़े वो तो शताब्दी में पढ़ने लायक होती है <laughs> नहीं मैं सर आ, अपनी पहचान को लेकर के बड़ा स्पष्ट रहता हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ अपने हिसाब से हिंदी की किताबें पढ़ता हूँ अंग्रेजी समझ में भी तो आनी चाहिए <laughs> सर बात जरा सा जीत सिंह की करते हैं जीत सिंह जी मैं नावल से जुदा एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदी की सबसे ज्यादा नाकदरी हिंदुस्तान में ही है <laughs> जो कि नहीं होनी चाहिए अभी परसों मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी थी कि अमेरिका में जो उनकी अपनी भाषा है उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जुबान बोली जाती है वो हिंदी है जी बिल्कुल वो हिंदी है और पहले पहले परस कई दशक तक ये स्थापित रहा कि हिंदी वर्ल्ड की पाँचवीं सबसे बड़ी स्पोकन लैंग्वेज है और उसके लिए उसमें आपको आगाह करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी नहीं है टॉप पर जो हमारे आकाओं की जमान थे जो सारे हिंदुस्तान दुनिया में चलती थे वो नंबर वन पर नहीं थे नंबर वन पर आज भी मंडारिन है जो चाइनीज का एक डायलेक्ट है हाँ हाँ और ये अंग्रेजी आज भी चौथे नंबर पर आती है उससे पहले फ्रेंच है स्पेनिश है फिर पांचवे नंबर पर हिंदी है अब किसी ने कुछ सर्च की है कि अब हिंदी तीसरे नंबर पर है पर मेरे को यकीन नहीं है। सर ये <laughs> कहा, कहा गई हिंदी कहा गए पढ़ने वाला तो मिलता नहीं कोई नॉर्थ इंडिया की भाषा मानी जाती है भारत की भाषा ही नहीं मानी जाती साल में एक पंद्रह दिन हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है पूरे पाखंड के साथ कोई फॉलो नहीं करता कोई कदर नहीं बन सकती हिंदी की उसकी सर लेकिन सर 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 एक बीच में सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसा माना जाता है प्रकाशक कई बैठे हैं यहां पर प्रकाशक कहते हैं कि हिंदी में पाठकों का संकट है लेकिन एक ऐसे पाठक हमारे पास बैठे हैं जिनको पाठकों की कभी कमी नहीं हुई आपको कमी हुई है सर कभी आ, मैं ही हूँ बस ऐसा <laughs> <laughs> बाकी तो नहीं है ऐसे बड़ा बोल है या ऊपर वाले की मेहरबानी है मैं ही हूं बस मेरी रीडरशिप कमिटेड है उन्होंने ये देख के नावल नहीं खरीदना है कि छापा किसने या इसमें प्रिवोटल करैक्टर कौन है या इसका नाम क्या है उन्होंने ये देख के नावल छाप देख खरीदने ये एस एम पाठक ने लिखा yes, है देखो आपको एक ट्रेड की बात बताता हूँ आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी हिंदी की प्रकाशक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कहता रीडर नहीं मिलता सवा सौ करोड़ लोग जिस मुल्क में रहते हों वहाँ पब्लिशर को एक हजार बाई कस्टमर नहीं मिलता बिल्कुल इतने लोगों में एक हजार किताब पब्लिशर छापता है वो एक हज़ार किताब बिकती नहीं है उसका रिटेल का कस्टमर है ही नहीं कोई बंदा जाके सहते किताब को जाके दुकान पे ये नहीं पूछता कि पुराने राइट फलाने राइटर की किताब आई है एस पाठक के रीडर रोज चक्कर लगाते हैं भी आई है या नहीं आई और उसको जब अल्टरनेटिव बताया जाता है कि ये ले ले तो वो मना कर देते हैं नहीं वही लेंगे फिर चक्कर लगाए तो ये कमिटमेंट बनाने में जो मेहनत लगी है वो मैं ही जानता हूँ आई हैव कमिटेड हैशिप मेरा रीडर मेरे को दगा नहीं दे सकता जैसे मैं अपने रीडर को दगा नहीं दे बिल्कुल बिल्कुल एक बार जोरदार इस बार, इस बात बात भरपूर जिम्मेदारी